साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस होगी। इस दुनिया में जितनी भी महान चीजें, चाहे कोई नया आविष्कार हो, चाहे कोई नोबेल प्राइज है, कुछ भी ऐसा महान हो जो सामान्य ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंटेंट जबरदस्त तरीके से कंज्यूम हो रहा है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को प्रेम करते हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, जिस इंसान को इस दुनिया पर राज करना है, जिस इंसान को अपनी पारिवारिक स्थिति को बदलना है, उसका सिर्फ एक धर्म है। जब सांसें गहरी होती है तो विचार गहरे होते हैं, जब सांसें गहरी होती है तो कर्म गहरे होते हैं। अगर इस धरती पर चमत्कार और यूनिवर्स के बीच में कोई ब्रिज है, कोई सेतु है, कुछ बंधन है, पैर चलते हैं तो पैर की मसल स्क्वीज होती है, और उन मसल से अगर आप इस धरती पर ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो इसको हाइपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जिसको शांत होना है, जिसको अपनी नेगेटिविटी बाहर निकालनी है, जिसको एंग्जाइटी खत्म करनी है, जिसको महेंद्र सिंह धोनी, कोई महान क्रिकेटिंग स्किल नहीं है लेकिन शांत है। सुबह उठे, अपने बच्चे के दो थप्पड़ मार दी, अपनी वाइफ को तीन गाली दे दी। शेर जब शिकार करता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि शिकार करने की पहली शर्त। आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। मुद्दा है विवेकानंद जैसी असीम एकाग्रता कैसे हासिल की जाए, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और पूरे फोकस के साथ में, क्योंकि जब मुद्दा कॉन्सेंट्रेशन का है तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एकाग्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, टू मेक इंडिया पावरफुल। और आज का मुद्दा है हमारा एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, जिस तरीके से जो फिजिकल पावर होती है, फिजिकल पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए मसल्स होती है, फिजिकल पावर यानी कि शरीर में जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करने का तरीका है मसल्स। लेकिन आप मानसिक रूप से कितने शक्तिशाली हैं, इस सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता। मेंटल पावर, या तो आप मेंटल पावर शो करना चाहते हैं तब, या आपकी मेंटल शक्ति, मानसिक शक्ति वो कितनी है आप महसूस कर पाएंगे, तो उसका एक ही तरीका है कॉन्सेंट्रेशन, कि आप कितने समय तक किसी चीज पे एकाग्रचित हो पाते हैं। ये मान के चलिएगा, इस दुनिया में जितनी भी महान चीजें हैं, चाहे वो कोई नया आविष्कार हो, चाहे कोई नोबेल प्राइज है, चाहे कोई एक ग्रेट स्पीच हो, कुछ भी ऐसा महान हो जो सामान्य ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता का प्रोडक्ट है। बिना एकाग्रता के आप दिमागी शक्ति का विकास कर ही नहीं सकते, असंभव है। देखिए, उत्सर्जन, भोजन, प्रजनन, जानवर और इंसान में कोई खास अंतर नहीं है, डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन का है। चाहे प्रजनन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे भोजन हो, भोजन पर आप समझते होंगे, फूड खाना, रिप्रोड्यूस करना और एक्सक्रीट करना यानी उत्सर्जन, इसमें इंसान बराबर जानवर है, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जो अंतर पैदा करता है वो चीज एक ही है इस धरती पर, और उसका नाम है एकाग्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। मैं चाहूंगा कि आप जो भी चीजें यहां देख रहे हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में समावेशित करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन पाए। आपने, मुझे नहीं पता कि आपने इस चीज को महसूस किया है कि नहीं किया है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 90 साल जिएंगे, 90 साल जिंदा रहेंगे। खैर, आजकल तो समय थोड़ा बदल गया है, और मुश्किल से एक साल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक साल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, नॉट इवन ए सिंगल ईयर। तो ऐसी जिंदगी जो आपकी लंबी है, क्योंकि आप 90 साल जिए हैं, लेकिन बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उसमें सब कुछ था, एकाग्रता नहीं थी। और जब एकाग्रता नहीं होती है तो इंसान चाहे 10,000 साल जी ले,
वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएगा जो अतुल्य हो, बहुमूल्य हो, बेशकीमती हो, प्राइसलेस हो, वास्तव में मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हो, कभी हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल आप समझ रहे हो, ये जमाना चल रहा है जब वर्टिकल कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, वर्टिकल कंटेंट जबरदस्त तरीके से कंज्यूम हो रहा है। मोबाइल फोन हर वक्त सीधा है और इस दौर में एकाग्रता औंधे मुंह धरातल पर नीचे गिरी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन हॉरिजॉन्टल नाउ, फोन यू हाथ में रखा हुआ है हर वक्त और देखे जा रहे हैं बस। वास्तविकता में ये एक तरीका है कि हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जब शायद सफल होना बहुत आसान है, क्योंकि किसी को भी एकाग्रचित होना ही नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो रील्स पहले 1 मिनट की हुआ करती थी, अब 15-15 सेकंड की होने लगी। इस स्तर पर इंसान की एकाग्रता गिर चुकी है। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं कि जो इंसान 15-20 सेकंड एकाग्रचित नहीं हो सकता, वो जिंदगी में कुछ भी प्राइसलेस हासिल नहीं कर सकता। जो 15-20 सेकंड में ही, और अफसोस की बात क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन तो हॉरिजॉन्टल धरातल पर गिर ही गया है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। धरातल मतलब आप शायद एक अजीब सी बात है जिसका भरोसा करें ना करें, लेकिन जितने लोग नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, सारा खेल कॉन्सेंट्रेशन का है। जब आपको एक बहुत बेहतरीन स्पीच सुनते हैं, कुछ ऐसे विचार सुनते हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तब एकाग्रता का परिचायक है। बिना एकाग्रता के लिए मेरे लिए सेशन लेना भी संभव नहीं है। अगर मैं स्वयं एकाग्रचित नहीं हूं तो आपको एकाग्रचित कर ही नहीं सकता। और मैं हमेशा ये चीज मानता रहा हूं कि विकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में और गरीब राष्ट्रों में, डेवलप्ड नेशंस में और डेवलपिंग नेशंस में एकाग्रता का अंतर है। जितने लोग ओलंपिक चैंपियन बन रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के दम पे बन रहे हैं, जितने लोग वर्ल्ड पावर बन रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के दम पे बन रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की बनाई हुई चीजों में हर वक्त मग्न हैं। वर्टिकल कंटेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। बड़े अफसोस की बात है। 100 रील्स हम देखते हैं, 2 घंटे खराब करते हैं और एक सिंगल चीज ऐसी नहीं सीख पाते हैं तो आपकी जिंदगी में काम आ सके। और आजकल तो AI का जमाना और है, जब ऐसे ऐसी रील्स क्रिएट हो रही हैं जिनमें कुछ एफर्ट लगता भी नहीं है, जब एफर्ट बनने में नहीं लग रहा है तो सीख तो कुछ पाएंगे नहीं, ये तो तय है। इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है, और मैं हमेशा इस चीज का स्ट्रांगली बिलीवर हूं, कि पूरे दिन में 24 घंटे हैं, 1440 मिनट, 86,400 सेकेंड, लेकिन हर इंसान की प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, हर इंसान सेम नहीं है। क्योंकि अंतर है एकाग्रता का, अंतर है वन पॉइंटेडनेस का, अंतर है कॉन्सेंट्रेशन का। जिस इंसान का कॉन्सेंट्रेशन बेहतरीन है, उसकी जिंदगी में हर चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगी, बाकी सब चीजें तो आप छोड़िए। इस सेशन के दौरान भी आपको आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आप हाईएस्ट फेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में सेशन देख रहे होंगे, वरना पाएंगे टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। एक बड़ी अजीब सी बात है, एक प्रेमिका और एक प्रेमी अगर आपस में बात कर रहे हो और उनमें से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता कमजोर हो, तो उस वार्तालाप में कोई आनंद नहीं रह जाता है। दुनिया में अगर वास्तविकता में आपको जिंदगी जीनी है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास करना पड़ेगा, जिंदगी महसूस करनी है। कॉन्सेंट्रेशन इज क्रिएटिव मेडिटेशन, जिसमें आप कुछ कर रहे हो लेकिन एकाग्रचित हो, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, कॉन्शियसनेस। कुछ लोग हैं 90 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, जिंदगी में उनके चल क्या रहा है कभी महसूस ही नहीं कर पाए। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियसनेस, उठे, भोजन किया, उत्सर्जन प्रजनन किया, वो खत्म हो गए। कुछ ग्रेट, कुछ महान कब कर पाते हैं आप, जिंदगी का मजा कब ले पाते हैं आप, जब एकाग्रचित होते हैं। आनंद महसूस कब होता है, जब एकाग्रचित होते हैं। इस सेशन के दौरान मुझे एक समय भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे थकान हो रही है, क्योंकि मैं पूरी तरह से एकाग्रचित हूं। ये सेशन मेरे लिए मेडिटेशन है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिंदगी में एकाग्रता का अभ्यास करें। और क्या ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप एकाग्रचित हो सकते हैं, मैं उन्हीं की बात यहां पर करने वाला हूं। 24 घंटे सबके पास में, 1440 मिनट है, इतने सारे सेकंड्स हैं, लेकिन हर इंसान के अचीवमेंट्स डिफरेंट है। वो अचीवमेंट्स का अंतर क्यों है? अचीवमेंट्स आर नॉट सेम। अचीवमेंट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। आप हर 2 सेकंड में, हर 5 सेकंड में अपने ध्यान को भटकाने का अभ्यास कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं रील्स के माध्यम से, कॉन्सेंट्रेट होने का प्रयास ही नहीं करते। और इसलिए 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे स्क्रॉल करने के बाद भी इंसान कुछ नहीं सीख पा रहा है। अगर आपको सुपर ह्यूमन बनना है, असाधारण बनना है, तो आपको सुपर कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन एक अभ्यास है। आज हमारी स्कूल्स में, हमारे कोचिंग सिस्टम्स में, हमारी कॉलेजेस में रटना ही तो सिखाया जा रहा है। किसी को ध्यान करना, किसी को कॉन्सेंट्रेट करना, ये कहां सिखाया जाता है? कॉन्सेंट्रेट करना मतलब कुल्हाड़ी पर धार देना। जो आप कुल्हाड़ी यानी दिमाग पर धार देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने का अभ्यास करते हैं, तो चीजें आप एक बार पढ़ने मात्र से याद कर लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। खैर, आज हम सीखने वाले कि किस तरीके से आप खुद के कॉन्सेंट्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं, यही आज हमारा मुद्दा है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजें प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, वॉट एवर यू सी, मिरेकल्स जितने आप देखते हैं इस धरती पर, चमत्कार, वो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। क्योंकि जो भी जिंदगी में चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में, वो आप करोगे। कोई मौलवी या कोई बाबा या कोई फादर नहीं कर पाएगा, वो आप करोगे और खुद के कॉन्सेंट्रेशन के दम पे कर पाओगे। आप जिंदगी में कुछ भी असंभव सा हासिल कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो चमत्कारिक है, कुछ ऐसा जिस पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है, जिससे दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं लोग, मिरेकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के मामले में आदरणीय, परम पूजनीय, महान स्वामी विवेकानंद एक आदर्श माने जाते हैं, कि उनसे बेहतर कॉन्सेंट्रेशन, उनसे बेहतर एकाग्रता भारत में आज तक किसी की नहीं हो पाई, और उसके हजारों एग्जाम्पल मिलते हैं। विवेकानंद की एक बात बड़ी फेमस है और मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होता हूँ। उनका कहना था कि अगर आप वास्तविकता में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो उस चीज से प्रेम करो। जब आप प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो आप पाओगे कि आप वहां कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो गए हो। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जब आप किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो उससे प्रेम अपने आप हो जाता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि जब आप किसी चीज को प्रेम करते हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो, लेकिन जब आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हो तो प्रेम स्वतः ही हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन की पहली शर्त कहीं ना कहीं प्रेम है। खैर, ये एक वो चीज है जो इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। मैं इंप्लीमेंटेशन वाली चीजों की बात जरूर से करूंगा। आगे अपन बढ़े, उससे पहले एक चीज बता दूं, जितने आप अपनी धरती पर आसपास इनोवेशन देखते हैं, किसी जानवर ने इनोवेशन क्यों नहीं किया आज तक? कोई जानवर साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कोई पक्षी ने कोई नया आविष्कार क्यों नहीं किया? नेचर ने उनको जो सिखा रखा है नहीं करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर पाते, एकाग्रता नहीं है। आज पूरी धरती का राजा मनुष्य क्यों है? चाहे वो धरती को बिगाड़ रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, बट धरती का राजा मनुष्य क्यों है? एकाग्रता। और कोई जवाब नहीं है उसका, कोई जवाब है ही नहीं। जितने इनोवेशन होते हैं, जितनी डिस्कवरीज होती है, जितने नोबेल प्राइज मिलते हैं, नोबेल प्राइज जितने मिलते हैं, ओलंपिक मेडल्स जितने हैं हमारे पास, ओलंपिक मेडल्स, कोई ग्रेट स्पीच कहीं पर डिलीवर हो रही है, शानदार भाषण दे दिया, कोई नई कविता लिख दी, कोई नया कंटेंट लिख दिया, कुछ नया जबरदस्त सेशन हो गया, तो सब और सब एक ही चीज के परिचायक है और उसका नाम है जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं सच कहूं आपको तो कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से मेडिटेशन का नाम है, और दैट इज द प्रोडक्टिव मेडिटेशन, दैट इज प्रोडक्टिव मेडिटेशन। हमारी दुनिया में बहुत सारे धर्म है, ईसाई है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध,
हिंदू है, लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया पर राज करना है, जिस इंसान को अपनी पारिवारिक स्थिति को बदलना है, जिस इंसान को अपने देश को बदलना है, समाज को बदलना है, उसका सिर्फ एक धर्म है, एकाग्रता। क्योंकि बिना एकाग्रता के तो आप धर्म का भी पालन नहीं कर पाओगे। मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, नमाज के टाइम पे आंख खुली रखे हुए उधर देख रहे हो। बिना एकाग्रता के तो भगवान भी आपसे इंप्रेस नहीं हो सकता। तो दुनिया में जिसको सफल होना है, उसका दिमाग स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म वही है, उससे बड़ा धर्म ना कभी पैदा हुआ है ना हो सकता है। क्योंकि धर्म का अटूट प्रयास है इंसानों की एकाग्रता को विकसित करना। और इसीलिए हर धर्म में ईश्वर को याद करने का जो तरीका बताया हुआ है, वो कुछ इसी प्रकार का है कि इंसान एकाग्रता का अभ्यास कर सके। अगर आप एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, 10,000 साल जी के भी आप इस धरती पे कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी। दैट इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट ह्यूमन ब्रेन कैन डू। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, आज के समय में चूंकि मेडिटेशन का जमाना है, लोग बहुत मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इस प्रोडक्टिव मेडिटेशन। आप कुछ सामान्यतया मेडिटेशन का मतलब कुछ और ही होता है, अपने आप को खाली कर देना होता है। मेडिटेशन एक समय पर आने पर इंसान को करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो आप कर्म करें उस कर्म में संपूर्णतया डूब जाएं, एकाग्रचित होकर संतुलित होकर उस कर्म को करें, तो उससे बड़ा कोई ध्यान है ही नहीं, उससे बड़ा ईश्वर की भक्ति कुछ है ही नहीं। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में कुछ हमसे हासिल नहीं हो पाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब हम उस मुद्दे पर आने वाले हैं जो मैटर ऑफ डिस्कशन है। कॉन्सेंट्रेशन में कई लोगों का ये मत हो सकता है दैट इट इज ऑल अबाउट ब्रेन, ये सारा खेल दिमाग का है। तो दोस्त आपकी गलतफहमी है, ये सारा खेल ब्रीदिंग का है। हम जब भी कॉन्सेंट्रेट करने की बात करते हैं तो हम दिमाग पे जोर लगाते हैं कि दिमाग पे जोर लगाओ, दिमाग पे जोर लगाओ, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। दिमाग पे जोर लगाने से कॉन्सेंट्रेट कर पाते तो जिसका दिमाग सबसे भारी होता वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता। सांसों का खेल है कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ सांसों का खेल है। तो सबसे पहला मुद्दा जिसके माध्यम से आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, नंबर एक, 10 से 12 तरीके। इस डीप ब्रीदिंग, और हम सभी को बचपन से ही गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी सांसें गहरी होती है तो आपका दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, इन रियल आप कॉन्सेंट्रेट करने की स्टेट में आते हो। बचपन से, इवन जो आपके घर में जो आसपास है उनको बचपन से, चाइल्डहुड से डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, डीप ब्रीदिंग। आज मैं आपको एक बड़ी अफसोस की बात बताऊं कि मोबाइल के जमाने में सब इतने एंग्शियस हो चुके हैं कि डीप ब्रीदिंग हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन हैज नो कनेक्शन विद द ब्रेन, ब्रीदिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गहरी सांस से ही विचारों में गहराई आती है, गहरी सांस से ही कर्मों में गहराई आती है, गहरी सांस से ही गहरी एकाग्रता आती है, गहरी सांस से गहरे काम किए जाते हैं, और गहरी सांस से आप कुछ ऐसा कर पाते हो जो इस दुनिया पर अमिट छाप छोड़ जाता है। अगर आपकी सांसें उथली है, गहरी नहीं है, तो आप चिंता में रहोगे, एंग्जाइटी रहेगी, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, उतावलापन रहेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। जब सांसें गहरी होती है तो विचार गहरे होते हैं, जब सांसें गहरी होती है तो कर्म गहरे होते हैं, जब सांसें गहरी होती है तो स्थिरता आती है, जब सांसें गहरी होती है तो एकाग्रता आती है। और आप अगर इन गहरी सांसों को बाएं नाक से ले पाए, बाएं नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर आप डीप ब्रीदिंग कर पाए, डीप ब्रीदिंग, तो आप ये पाएंगे उसका प्रभाव दो गुना है। क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रिल का सीधा कनेक्शन
आपके पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम से, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसलिए आप डेली बेसिस पर सबसे पहली चीज ये समझ लें कि आप अपने हर एक घंटे में या 40 मिनट में 45 मिनट में आप पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, दाएं आंख को बंद करें, बाएं से 21 बार श्वास लेने का अभ्यास करें हर एक घंटे में। आप ये पाएंगे कि पूरा दिन आप बहुत शांत 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 जीते जा रहे हैं और आपका पूरा दिन सुपर प्रोडक्टिव है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसकी सांसों में गहराई नहीं है उसका जीवन में भी गहराई नहीं हो सकती, उसका जीवन भी एक फॉर्मेलिटी है, उसका जीवन भी एक घास काटू है। आप देखना, मोबाइल जब आप चलाते हैं, जब आप रील्स देखते हैं, तो आपकी सांसें कभी भी गहरी नहीं होती है। दूसरी बात है भोजन। ये बातें स्वामी विवेकानंद जी की बताई हुई है, ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं। और उससे महत्वपूर्ण क्या है, तो आप गहरी सांस ले रहे हैं, कोशिश करें उसे साथ में रोक भी ले। मान लीजिए आपने बाएं नाक से सांस लिया, रोका और दाएं से छोड़ दिया। गहरी सांसों का अभ्यास जब आप करेंगे तो आपके जीवन में एक ऐसी गहराई आती है। मैं हमेशा ये चीज को मानता हूं कि स्टिल माइंड होना बहुत जरूरी है। स्थिर दिमाग जब तक नहीं होगा, विचार जब तक दौड़ते रहेंगे, दिमाग किसी काम का नहीं है। अगर माइंड स्टिल नहीं है तो किसी काम का नहीं है। बॉडी अगर स्टील की नहीं है, बॉडी अगर ताकतवर नहीं है, तो शरीर भी किसी काम का नहीं। पसीना बहाना होगा शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, और सांसों को रोकना पड़ेगा दिमाग को स्थिर बनाने के लिए। जिसकी सांसें रुक गई, जिसकी सांसों पर कंट्रोल आ गया, उसका विचारों पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है। लेकिन आपकी सांसों को, आपके दिमाग को, आपके विचारों को रील्स ने हैक किया हुआ है। रील्स ने हमारे में स्थिरता बची ही नहीं है, और इसलिए हम कुछ भी महान नहीं सीख पा रहे हैं। जब आज ज्ञान का अथाह समुद्र है, हम कुछ नहीं सीख पा रहे क्योंकि स्थिरता नहीं। भोजन, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेफ्ट नोस्टल को मैं बहुत बार इस चीज को कहा हूं, इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इससे बेहतर, मन को स्टील जैसा बनाने के लिए इससे बेहतर, मन को स्थिर बनाने के लिए इससे बेहतर, किसी कर्म को पूरा करने के लिए इससे बेहतर, किसी मिशन को अंजाम देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अगर आज मैं ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत मिशन पर काम कर रहा हूं, तो उसका सिर्फ एक कारण है चंद्रभेदी प्राणायाम, वरना मैं भी कोई डिप्रेशन की गोलियां खा रहा होता। 2019 की बात है, जब मैं साइकेट्रिस्ट के पास में गया, मेरा दिमाग स्थिर नहीं था, मैं परेशानियों में था, और मेरी जिंदगी में जितनी समस्याएं आई ना, उन्हीं समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढते 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 मैं सब जान पाया हूं। और मुझे पता है मेरे देश के युवा, मेरे देश के लोग आज जब इन्हीं समस्याओं से गुजरते हैं, भुगतते हैं, परेशान होते हैं, बाहर आने में 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं, जब तक जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत मिशन ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए है, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए है। क्योंकि जो मैंने झेला है वो शायद कोई और ना झेले, ऐसा मैं मानता हूं। ये कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये सब कहां से पता लगा? ठोकर खाने से, धोखा खाने से, परेशानियां झेलने से। क्योंकि बादाम खाने से कलाई होती तो हर किसी में आ चुकी होती, अखरोट खाने से कोई बुद्धिमान बनता तो हर कोई बुद्धिमान होता, बादाम तो एक से एक बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं दुनिया में। लेकिन जिसको बढ़िया क्वालिटी की ठोकर लग गई ना, वो सब सीख जाता है। मैं पेट के डॉक्टरों के पास में घूमा हूँ, मैं दिमाग के डॉक्टर्स के पास में घूमा हूँ, ना जाने मुझे कितनी समस्याएं रही है, लेकिन मैं सीखा हूं कि वास्तविकता में करना क्या है। चंद्रभेदी प्राणायाम। दूसरी बात है, अपने भोजन को सात्विक बनाने का प्रयास करें। सात्विक फूड, सात्विक फूड क्या होता है? देखिए, इसकी कोई परिभाषा नहीं। आपका फूड, एक चीज समझ लीजिए, मैं फूड की बात करूं उससे पहले एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप ज्यादा खाना खाए हुए हैं, बहुत पेट आपने भर लिया है, तो आपके शरीर का सारा खून पेट की तरफ चला जाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका पेट खाली है, भोजन है ही नहीं, तो ऊर्जा नहीं रहेगी, तब भी दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका पेट खाली है तब भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, भरा हुआ है तब भी नहीं कर सकते। खाली पेट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ऊर्जा नहीं है। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट
दिमाग की हाईएस्ट एक्टिविटी है कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग का उच्चतम कार्य है एकाग्रता, उच्चतम कार्य, और निम्नतम कार्य है डिस्ट्रैक्शन, यहां से वहां भटकना। वो आसान है, हमारा दिमाग जो है वो बंदर की तरह है, पागल हाथी की तरह है, उसको रोकना संभव नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। खाली होगा, अगर हमारा दिमाग खाली है तो ऊर्जा नहीं होगी, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो काम नहीं कर पाएगा, और भरा हुआ है, भरा हुआ पेट है, भरा पेट है तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी ब्रेन में, क्योंकि ब्लड सप्लाई खून को पचाने में लग जाएगी। पता है 90% लोग जब नशा कर रहे होते हैं, इस चीज को गौर करिएगा, 90% लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जर्दा खाते हैं, उसी स्थिति में खाते हैं जब पेट भरा होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एकदम से बेचैनी महसूस होती है। कैसे? क्योंकि खून नहीं जा रहा होता है वहां पर। नशा छोड़ने का एक बढ़िया प्रयास है ये, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना। और मैंने आपको बताया पिछले सेशन में कि ह्यूमन इवोल्यूशन में खाना बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए। आप कुकिंग का विकिपीडिया पढ़ेंगे तो आप पाएंगे रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, है ना, डीप फ्राइंग, तंदूर में जो है खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर खाने को ग्राइंड करता है, पीसता है पानी के साथ में, HCl के साथ में पीसता है। अगर आप खाने को पहले से पीस लें, या तो मुंह में पीस लें, उसमें बहुत समय लगेगा, या फिर बाहर ग्राइंडर में पीस के बोतल में भर लें और थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पीते रहे, तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग बहुत एकाग्रचित रहेगा। एक साथ भर लिए, 6 रोटी एक साथ खा लिए दबा के आराम से, और 6 रोटी खाने के बाद में हालात ऐसे आते हैं कि भाई अब तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, वो कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो क्या करें, यहां मिराज लगाए थोड़ी सी, यही तो दिक्कत है। खाना अगर आप एक साथ खा लेंगे पेट खाली रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब इंसान का उद्विकास हो रहा था, इंसान का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे तेजी से कब शुरू हुआ, जब उसको पका हुआ खाना मिला, आग में पका हुआ जब उसको खाना मिला तो खाना जल्दी पचने लगा, और खून की सप्लाई ज्यादातर समय यहां रह ले। जो सिर्फ खाना खा के पड़े हैं, जो सो रहे हैं बस, उनका दिमाग कभी काम नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहेंगे, पिसा हुआ खाना पीते रहेंगे, तो आपके दिमाग में शार्पनेस रहेगी, आग रहेगी, फायर रहेगी, लड़ने की क्षमता रहेगी। तो इस चीज को हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा से इंप्लीमेंट करना है कि खाली पेट और भरा पेट दोनों ही एकाग्रता के लिए खतरनाक है। अगर खाना थोड़ा थोड़ा हो तो एकाग्रता थोड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। तो हमारा जो खाने का पैटर्न है, मुझे माफ करिएगा, मैं आज डायरेक्टली ह्यूमन सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रहा हूं। इंसानी सभ्यता में हमें खाना किस तरीके से खाना सिखाया गया है, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, रात को खाना है, दबा के खाना है, जितना हो सके उतना खाना है, तरीका ही गलत है। थोड़ा 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 पीस पीस के एक बार में पीसा और इस तरीके से पीते रहो। जिस इंसान के पेट को जोर नहीं आ रहा, उसके दिमाग को भी जोर नहीं आ सकता। जिस इंसान का पेट खराब नहीं है, उसका दिमाग खराब नहीं हो सकता, लेकिन जिस इंसान का पेट खराब है, उसका दिमाग खराब होगा, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका पेट भी खराब हो जाएगा। ये फिक्स है, ये सब सिंक्रोनाइज है आपस में। एकाग्रता की पहली शर्त है ना पेट पूरा खाली हो ना पूरा भरा हुआ हो, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ये दोनों बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है हमारे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने, ये उनकी बताई हुई बात है। 6 रोटी एक साथ खा लिए, अजगर की तरह लेट गए, उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन में कुछ गजब का होगा। कैसे हो पाएगा दोस्त, हो ही नहीं सकता। फिर अगर मान लो किसी को लगता है कि उसको हाइपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तीसरा तरीका बताता हूं। एक ड्रिंक है और एक ट्रैक है, ड्रिंक प्लस ट्रैक। आप क्या करें कि तीन चीजें, ड्रिंक में क्या क्या, कॉफी आपने लिया, कॉफी आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और ग्लूकोज आपने ले लिया, और ORS ले लिया, नहीं है सेंधा नमक ले लिया, काला नमक ले लिया, जो भी नमक है कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज की जगह थोड़ी बहुत चीनी ले सकते हैं, वैसे तो खतरनाक होती है बट ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बता दो। आधी चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच, ORS ठीक रहेगा इसमें। कॉफी आधी चम्मच, ग्लूकोज या चीनी आधी चम्मच,
इनको 1 लीटर पानी में मिला लो, 1 लीटर पानी, और 2 घंटे में आराम से इसको पियो। जब भी हाइपर कॉन्सेंट्रेशन का काम करना है, जब कुछ ऐसा करना है कि यार अब बस दिमाग हिलना नहीं चाहिए यहां से, सुपर फोकस अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन, 2 घंटे। देखो कई बार ऐसा लगता है कि सर इन्हीं से कॉन्सेंट्रेट हो पाता तो कोई भी हो जाता, यही तो बात है, प्रयास कोई नहीं करना चाहता, कुछ नहीं होता, छोड़ दिया। जब भी प्रिपरेशन करते हो ना तो माइंड सेट हो रहा होता है कि नहीं ये मैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, तो जब माइंड सेट ऐसा हो जाता है ना तो अपने आप हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और आप मानो या ना मानो, ओलंपिक्स में 90% मेडल्स कॉन्सेंट्रेशन से होते हैं। मैं अगर इस मिशन पे काम कर रहा हूं, अगर ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत 10 करोड़ लोगों को जोड़ने के माध्यम से मुझे भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, कुछ अलग बनाना है, एक चमकता हुआ देश बनाना है, तो कॉन्सेंट्रेशन का इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। आप ये लेंगे 2 घंटे में सिप सिप करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे और आप पाएंगे आप हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर कुछ साउंड ट्रैक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक, ये ट्रैक का मतलब यहां पर बेसिकली साउंड ट्रैक के माध्यम से। साउंड ट्रैक का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ साउंड है, साउंड है या कह सकते हैं म्यूजिक है, लिरिक्स नहीं है, लिरिक्स नहीं। आए हो तुम मेरी जिंदगी में सावन की तरह, यार बदलना जाना मौसम की तरह, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि आप किसी एक दूसरे तीसरे चौथे इंसान को याद करना शुरू करेंगे और खत्म हो जाएंगे। तुम आए तो मुझे याद आया, गली में आज चांद निकला, इन सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती, तुम आए तो मुझे आया याद और चांद निकला और ना जाने क्या क्या, ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कौन से साउंड ट्रैक्स हैं जो ठीक है। एक मुझे लगता है डाइव है, एक ड्राइव है, एक टेंटेट है और एक अलाइव है, ये कुछ साउंड ट्रैक्स हैं। बट आप सिंपली कुछ भी साउंड ट्रैक सुन सकते हैं, कुछ मैंने नाम आपको बताए, जरूरी नहीं कि आप यही सुने, मैं फिर कह रहा हूं दिस इज नॉट नेसेसरी, कि लोग इन्हीं के पीछे लग जाएंगे, वो इज हियर आफ्टर ए बी के सर, इंस्ट्रूमेंटल एनीथिंग, आप सुपर फोकस कर पाए। और ये सेट करना पड़ेगा, एक एक टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग टाइम टेक्निक, ब्लॉकिंग टाइम, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं इस पे आगे चलूं, बट उससे महत्वपूर्ण मुझे हमेशा ये लगता है कि अपनी सांसों पर ध्यान देने का प्रयास करो, उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप एक अलग कॉन्सेंट्रेशन फेज में जा रहे हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सांसों पर ध्यान देना अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक है। कैसे कर सकते हैं, यहां एक साधारण रूप से यहां अपना हाथ रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और सांस को सिर्फ आता जाता हुआ महसूस करना है, कुछ प्रयास नहीं करना है। देखिए श्वास जो है वो आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। अगर इस धरती पर चमत्कार और यूनिवर्स के बीच में कोई ब्रिज है, कोई सेतु है, कुछ बंधन है, तो सांसों का बंधन है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, मुझे उससे मतलब नहीं है, सांसों का बंधन है, सांसों का संगम है। यहां से आंखें बंद करेंगे, यहां पर फिंगर रखेंगे और अपनी श्वास पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप एक अलग चेतना अनुभव करेंगे, जिसमें आपका दिमाग विशेष रूप से शांति महसूस करेगा और आप एकाग्रता की अवस्था की ओर जाते जाएंगे, जो अतुल्य होगा, जो बेहतरीन होगा। ब्लॉकिंग टाइम एक बहुत नॉर्मल टेक्निक है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पर रख देते हैं कुछ फिक्स टाइम के लिए, जिसको ऊंचा उड़ना है, जिसको उड़ना है उसको फ्लाइट मोड पे जाना पड़ेगा। फ्लाइट में जब आप जाते हो नेटवर्क आना बंद हो जाता है, क्योंकि उड़ने की शर्त यही है, वहां नेटवर्क नहीं आता है। सिंहासन, ऊंचाई, चोटी अकेले होने पर मिलती है, एकाकी होने पर मिलती है, और वहां पर नोटिफिकेशन की जगह नहीं होती है। जिसको उड़ना है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं अब कम से कम 25 से 30 मिनट, कम से कम 25 से 30 मिनट अपने फोन से बिल्कुल दूर। ये बहुत ही साधारण टेक्निक है जिसका दुनिया में हर कोई इस्तेमाल करता है, बहुत साधारण टेक्निक है।
ब्लॉकिंग टाइम कुछ विशेष नहीं है। विशेष कब होता है? जब आप दृढ़ निश्चय को इसके साथ में जोड़ लेते हैं, तब यही समय विशेष बन जाता है। विशेष होने की शर्त है दृढ़ निश्चय। इस दुनिया में जिसके पास में दृढ़ निश्चय नहीं है वो अवशेष है। जिसको स्पेशल होना है वहां दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, और कोई रास्ता है नहीं उसके अलावा, कुछ बनता ही नहीं है उसके अलावा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक टाइप का अटैचमेंट है। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अटैचमेंट। जिसमें आप किसी एक चीज पर जो हायर गोल है उस पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे लिए ओटीटी भारत के लिए काम करना एकाग्रता का अभ्यास है, मेडिटेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। उससे बेहतर मैं कभी महसूस नहीं करता। मेरी जिंदगी में बस यही वो पल होते हैं जब मैं सबसे ज्यादा शांत, सबसे बेहतर महसूस करता हूँ, सबसे सुकून भरा महसूस करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन एक टाइप का अटैचमेंट है, और अटैचमेंट के लिए डी अटैचमेंट मस्ट है। अटैचमेंट बिना डी अटैच हुए संभव नहीं है, ये मस्ट है। आप ये चाहें कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट एक साथ होते रहे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और डी अटैचमेंट का मतलब एम्प्टीनेस से, एकाकीपन से, अकेलेपन से। जिसको कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, नोटिफिकेशन बंद करना पड़ेगा, पेट में खाना कम करना पड़ेगा, टेबल को खाली करना पड़ेगा, जहां टेबल पे फोकस करें वहां कचरा नहीं होना चाहिए, और मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर करना पड़ेगा। डी अटैच हुए बिना अगर आप फिर भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोबाइल को उल्टा रखना पड़ेगा। उल्टा रख दें, जो भी आप चलाना चाहें उसके बाद चला सकते हैं। आंखें मोबाइल फोन पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का संबंध कार्य के दौरान आंखों से होता है। शुरुआत सांसों से होती है लेकिन फिर आंखें काम करती है, ये आपको मालूम हो। अटैचमेंट कितना गहरा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि डी अटैचमेंट में कितनी शक्ति है। परीक्षा के दौरान, किसी गहरे काम के दौरान, डेडलाइंस के दौरान डी अटैचमेंट शक्तिशाली होता है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बेहतर होता जाता है। डी अटैचमेंट का पर्पस कितना बड़ा है, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, लक्ष्य कितना बड़ा है। अगर लक्ष्य छोटा सा है तो एकाग्रता भंग हो जाएगी, लंबे समय तक एकाग्रचित नहीं रह पाओगे, असंभव है। बिना डी अटैच हुए आप अटैच नहीं हो सकते। ये हमारी जिंदगी में हमेशा 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 हर वक्त रहे, उसके बिना कुछ संभव नहीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत ब्रीदिंग से होती है, ब्रेन के साथ में नहीं होती, ब्रीथ इज द की। हाइपर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल की एकाग्रता चाहिए तो उसकी शुरुआत पसीना बहाने से होती। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस दुनिया में आप किसी भी चीज के लिए लोगों को किराए पर रख सकते हैं, बुला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार होने के लिए कोई किराए पर नहीं आता है। आपके लिए दो मिनट भी, माफ करिएगा, दो सेकंड भी कोई अस्पताल के बिस्तर पर नहीं लेटेगा कि तू मेरी जगह बीमार हो जा। बीमारी ही आपको खाएगी और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वो बीमारी दिमाग से शुरू होती है। शारीरिक बीमारियों की वजह से अक्सर बहुत कम लोग मरते हैं, दिमागी बीमारियों से ही मरते हैं, क्योंकि दिमाग ही शरीर को खराब करने की शुरुआत करता है। अगर दिमाग को हाइपर कॉन्सेंट्रेशन के स्टेट में लाना है तो पसीना बहाना मस्ट है। जिसके पैर चलेंगे उसका दिमाग रुक जाएगा, दिमाग रुक जाएगा यानी स्थिर हो जाएगा, यानी एकाग्रचित हो जाएगा। लेकिन जिसके पैर नहीं चलेंगे, जो कुर्सियों पे बैठा है, जो बिस्तर को तोड़ रहा है, जो गद्दियों को मरोड़ रहा है, उसकी एकाग्रता कभी आ ही नहीं सकती। जितने पैर चलेंगे उतना आप पाएंगे आपका दिमाग रुक रहा है, स्थिर हो रहा है, फोकस हो रहा है। सूरज की किरणें पड़ती है, जब लेंस से फोकस होती है तो कागज जलने लगता है। सीधी कागज पे पड़ेगी तो कागज कभी जलेगा नहीं, पैर चलाने पड़ेंगे।
अगर आपके पैर नहीं चलेंगे तो चार लोगों के पैर चलेंगे, वो कहेंगे राम नाम सत्य। दुनिया में वही लंबा चलता है जिसके पैर चलते हैं। पैर जब पैर चलते हैं तो पैर की मसल स्क्वीज होती है और उस उन मसल से दिमाग में ब्लड जाता है। ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट में पैरों का सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं कहूं इस धरती पर सबसे घटिया आविष्कार कौन सा है तो मैं कहूंगा टायर का आविष्कार, क्योंकि जब इंसान के पास में टायर आए हैं तब से वो टॉयलेट भी मोटरसाइकिल पे जाने लगा है, गाड़ी में बैठकर बाथरूम जाता है, और उन टायरों की वजह से वो जिम भी गाड़ी में जाता है, टायर कम करने, टायरों पर बैठकर ही टायर कम करने जाता है। ऐसा हमने सुना है कि यहां टायर आ गए, इधर टायर आ गए, टायरों पर बैठकर टायर कम करने जा रहा है, टायर कम करके प्रयास में वापस टायरों पर बैठ के टायरों वाली कुर्सी पे बैठ जा रहा है और टायर बढ़ते जा रहे हैं, ट्यूब ट्यूब में हवा भरती जा रही है, फूलती जा रही है। पैर चलो, सबसे बेहतर तरीका है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे पसीना सबसे तेजी से आता है? 20 मिनट सीढ़ियां चढ़े। मैं धरती पर कोई भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, जूते पहन ले, चप्पल पहन ले और 20 मिनट सीढ़ियां चढ़े। दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं। आप ये पाएंगे कि आपकी सारी समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी है। पसीना ईश्वर है। अगर आप इस धरती पर ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो स्वयं के पसीने का दर्शन करें, सर्दी में भी दर्शन करें। आप ये पाएंगे कि ईश्वर आप पर मेहरबान होने लगा है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर 80% लिक्विड है, ईश्वर 100% लिक्विड है, पसीना ही ईश्वर है। अगर आप दूसरों के आंसू इस दौरान पहुंच देते हैं तो आपने ईश्वर को खुश कर दिया है। पसीना बहाना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह ध्यान रखा जाए कि अपने जॉइंट्स का ध्यान रखने के लिए चप्पल या जूते विशेष तौर से पहन लें। अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो जॉइंट्स में आपकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिसको हाइपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जिसको शांत होना है, जिसको अपनी नेगेटिविटी बाहर निकालनी है, जिसको एंग्जाइटी खत्म करनी है, जिसको हाइपर फोकस या सीमित एकाग्रता चाहिए, उसको पसीना बहाना पड़ेगा। बिना इसके संभव नहीं हो पाएगा। पैर चलेंगे तब दिमाग स्थिर होगा, दिमाग चलना शुरू होगा, दिमाग काम करना शुरू होगा। उसके बिना हम ये कहें कि कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं है। अपने आप को शांत करने का प्रयास करिए। कॉन्सेंट्रेशन अशांत लोगों में नहीं आता है। आप ये पाएंगे कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जो बहुत जबरदस्त तरीके से बुद्धिमान हैं, उनमें एक खासियत होगी और उसका नाम होगा शांति। दिमाग समय बराबर होता है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल आप तभी कर पाते हैं जब आप शांत हो जाते हैं। अशांत लोग कभी दिमाग नहीं चला पाते। अफसोस की बात तो यह है कि एक वाकया हुआ रामायण के दौरान, जब सीता माता जिद करने लगी कि मुझे सोने का हिरण चाहिए, सोने का हिरण चाहिए, और उनकी जिद को सुनकर राम भी अशांत हो गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी तलाश में चले गए और रावण पीछे सीता माता को उठा ले गया। कामनेस इज रियल शार्पनेस। कामनेस ही आपकी ट्रू शार्पनेस है, वही ट्रू बोल्डनेस है। कुछ लोग कहते हैं ये तो आ तो भोली गाय है, वो तो भोलो पांडो है। जो लोग शांत हैं वही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलेंगे आगे जाके। महेंद्र सिंह धोनी कोई महान क्रिकेटिंग स्किल नहीं है, लेकिन शांत है। रोजर फेडरर शांत है, वो भी रिसेंटली एक वो तुर्की से एक शूटर आए, सिल्वर मेडल ले गए, शांत है। जो शांत नहीं होगा उसको दवाइयां लेनी पड़ेगी। अशांत लोग ही इस धरती पर, अशांत लोग ही दवाइयां लेते हैं। आप जितने अशांत हैं उतनी ज्यादा मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। शांत लोगों को दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप देखिए, ऐसे ऐसे अशांत लोग आपको मिलेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, सुबह उठे अपने बच्चे के 2 थप्पड़ मार दिए, अपनी वाइफ को 3 गाली दे दी, अपने माँ बाप से बहस कर ली, अपने छोटे भाई बहनों को थप्पड़ मार रहे, कुछ किया नहीं अभी तक, उठे हैं बस, अचीवमेंट है उनका, उठ गए हैं। और ऐसे लोगों की घर के बाहर माफ करिएगा, पालतू कुत्ते के बराबर की हैसियत नहीं है, क्योंकि घर में जीतते हैं, पर्सनैलिटी ऐसी है ना, हाइपर है, कभी किसी जीत नहीं पाएंगे। दिमाग चलाना, शांत रहना पड़ेगा। आपको पता है जो लट्टू घूमने वाला होता है, जो बहुत तेज चल रहा होता है, कितना स्थिर दिखता है, शांत दिखता है। शेर जब शिकार करता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, शांत हो जाता है, तब शिकार कर पाता है।
फड़फड़ाएगा, हड़बड़ाएगा तो राजा थोड़ा कहलाएगा, एटीट्यूड है उसमें शांत होने का, क्योंकि तो शिकार करने की पहली शर्त शांति है दोस्त। अगर तुम शांत नहीं हो सकते तो जिंदगी में कुछ नहीं पकड़ पाओगे। बगुले को देखा है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, कितना शांत हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तब मछली को पकड़ पाता है। बाज को देखा, उड़ता है तब, जब शिकार करना होता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, और फिर खरगोश को उठा ले जाता है, कबूतर को उठा ले जाता है, सांप को उठा ले जाता है। स्थिरता, शांति, एकाग्रता की शर्त है। और जब हम कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, कि हमारा माइंड है एक कॉन्शियस माइंड जिसमें हम प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, और एक हमारा माइंड है सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो एफर्टलेस, जो एफर्टलेस कृपा प्राप्त होती है जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो, कृपा प्राप्त होती है जब सबकॉन्शियस माइंड काम करे, और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जब आप शांत हो जाते। कृपा प्राप्त होने के लिए शांत होना जरूरी है। कितनी सारी नदियां हैं, रेगिस्तान में तो नहीं जाती है, समुद्र में जाके क्यों गिरती है? समुद्र को कृपा प्राप्त है, यूनिवर्स की जरूरत नहीं है समुद्र को पानी की, लेकिन नदियां वहीं आके गिरती है, रुतबा है समुद्र का, रेगिस्तान में नहीं जाती है। ये रुतबा क्या होता है, ये ओरा क्या होता है? ये रुतबा और ओरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो विकसित होता है शांत होने से। हाँ, कई बार आपको कई जगह पर गुस्सा होने की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन वो गुस्सा आप अंदर से आप शो करेंगे कि आप गुस्सा है, आप है नहीं। कई बार ऐसा होगा जब आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि आप आंतरिक लेवल पर हमेशा 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 शांत रहे। बाहरी गुस्सा ठीक है, आंतरिक गुस्सा नरक के समान है, आंतरिक गुस्सा मृत्यु के समान है, जिसमें आप एक अंगारे से एक अंगारे को फेंक कर दूसरे को जलाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उठाते वक्त आपका हाथ पहले ही जल गया है, दूसरे वाले के अंगारा लगा नहीं लगा, उस एक बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। अगर आप ये चाहते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपने सुना, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर ईश्वर की कृपा प्राप्त होना ही तब शुरू होती है जब आप शांत हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं। बिना उसके ये असंभव है, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा जो आप अपनी जिंदगी में ऐसा हासिल कर लें जो अतुल्य हो, असीम हो। शांति, असीम शांति। और शांति के लिए मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बड़ा मंत्र है, कोई मंत्र नहीं, रात को सोते वक्त चंद्रभेदी प्राणायाम, और एफर्टलेस प्राणायाम। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि रात को आप खाना खा के ही बिस्तर पर लेटते हैं, इस प्राणायाम को आप एफर्टलेस सिर्फ दाएं नाक बंद करके छोड़ दें, बस कोई प्रयास नहीं करना है। आपने भोजन किया है, आपने जिस भी तरीके का प्रयास किया है, जोर जोर से सांस लेने का अभ्यास ना करें, पेट को खराब कर लेंगे आप, सिर्फ दाएं नाक बंद कर लें, और आप ये पाएंगे कि आपको इतनी गहरी नींद आएगी, और सुबह आप जितना शांत महसूस करेंगे, वो आप एंजियोलाइटिक, एल्प्राजोलाम, डाइजेपाम, बेंजोडाइजेपिन, फ्लोराजेपाम सारी दवाइयां लेने के बाद भी इतना शांत महसूस नहीं करेंगे जितना कि आप इस प्राणायाम के दम पर करेंगे। ये हाथ आपसे छूट जाएगा और न जाने कब आपको नींद आ जाएगी। गहरी नींद इस धरती पर सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आराम है। दाएं नाक को बंद करने का प्रयास करें, कॉन्सेंट्रेशन में आपको जबरदस्त जबरदस्त फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इतना ही नहीं, कुछ चीजें और हैं जिनके माध्यम से आप अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रोपिक्स। ये वो सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स बहुत आगे की चीज होती है, पहले ये सब प्रयास अपने को करना है। आप सीधे सप्लीमेंट पे चले जाते हैं, हम सब शॉर्टकट चाहते हैं, यही दिक्कत है। मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं, इस्तेमाल के लिए नहीं बता रहा। एक स्तर पर आने के बाद आप कर सकते हैं, बट आप सप्लीमेंट में ही घुस जाते हैं। क्या है? अश्वगंधा, जिससे आप शांत भी होते हैं, आपका मसल मास भी बढ़ता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्षमता भी बढ़ती है, और शंखपुष्पी और ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ब्राह्मी ये चीजें और हैं जिनके माध्यम से आप, शंखपुष्पी और ब्राह्मी जिनके माध्यम से आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर, इनके ऊपर किसी भी केस में रिलाई होने का प्रयास नहीं करें। गहरी नींद, नींद नहीं गहरी नींद, गहरी एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है। बिना गहरी नींद के आजकल लोग सो कहां रहे हैं?
बिस्तर पर जा रहे हैं मोबाइल फोन के साथ, बस देखिए कोई काम नहीं है उस मोबाइल फोन में, कुछ काम हो तो बात अलग है, कोई काम वाम नहीं, कभी कोई सीरियल देख रहे हैं, कभी कोई सीरियल देख रहे हैं, मजे ही मजे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब पे चले जा रहे हैं, कभी शॉर्ट देख रहे हैं, कभी रील देख रहे हैं, कभी टिकटॉक देख ले रहे हैं, कभी नेटफ्लिक्स पे चले गए, अमेजोन पे चले गए, कभी प्राइम देख रहे हैं, कभी मिर्जापुर देख ले रहे हैं, कोई काम वाम नहीं, मजे ही मजे। कॉन्सेंट्रेशन एक हथियार है, और इस हथियार का अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ काम करने लगेगा। गहरी नींद के लिए एक तो मैंने आपको ये बताया, और गहरी नींद की एक और शर्त है, भरे पेट गहरी नींद नहीं आती है लाला। या तो आप खाना 4 घंटे पहले खा लें, या थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लिक्विड की फॉर्म में लेते रहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बनियान को ऊपर करके पेट पे हाथ चलाते रहते हैं हर वक्त, ऐसे ये अपने पेट से तंग है। भारत में 80 करोड़ लोग पेट से तंग है, और अफसोस की बात है कि किसी के पास सॉल्यूशन भी नहीं है उसका। कोई बोल रहा है ये फूंक मारो, कोई बोल रहा है वो फूंक मारो, कोई बोल रहा है पंचकर्मा करवाओ, कोई बोल रहा है त्रिकर्मा करवाओ, कोई कह रहा है त्रिफला खाओ, कोई कह रहा है क्या करो, कोई कह क्या करो। सिंपल सॉल्यूशन मैंने दे दिया, लिक्विड कर दो खाने को, या तो मुंह में लिक्विड कर दो या मिक्सी में लिक्विड कर दो, सुकून ही सुकून है जिंदगी में। ये लोग पेट भर भर के, इस तरफ 5 भटूरे, इधर 6 भटूरे, यहाँ छोले, और फिर सो रहे हैं, कहाँ से नींद आएगी चाचा, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। 20 साल ही काम करके देख लो, जिसका पेट बहुत भयंकर भरा हुआ है, भरे पेट जाके सो रहा है, उसको आगे जाके समस्याएं होने वाली। खाली बैठ जाओ, नींद गहरी होगी, सुकून होगा, कॉन्सेंट्रेट बेहतर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बिना आप ये चाहें तो ये संभव नहीं है, किसी भी केस में संभव नहीं है। फिर और क्या करें जिसके माध्यम से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है? ओवरकम क्यूब लाइफ, ओवरकम द क्यूब लाइफ, ये क्यूब लाइफ चल रही है। वॉट डू यू मीन बाई क्यूब लाइफ सर? बच्चे क्या कर रहे हैं, कमरे में है, आजकल तो बच्चों को अलग कमरे दिए रहते हैं उनके, कमरे से बाहर निकले, क्यूब था कमरा, बस में जाके बैठ गए, बस ने छोड़ा स्कूल के कमरे में, उस कमरे से बाहर बैठे बस में, बस से कमरे में आके पैक हो गए। जब तक आप नेचर में समय नहीं बिताएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी, और जो कॉन्शियस नहीं है वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकता। आपको पता है एक डिस्चार्जिंग फिनोमिना होता है, आपने उसका नाम सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग फिनोमिना। इसमें देखा गया कि जब आप जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, जमीन पर जब आप नंगे पैर चलते हैं तो आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे आयंस डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, आपकी बॉडी में क्षारीयता बढ़ती है, एसिडिटी कम होती है, सुकून से आप रह पाते, रिलैक्स आप रह पाते हैं। लेकिन हम तो क्यूब में जिंदा है, क्यूब, बस उन्हीं को सब कुछ माना हुआ है। कभी किसी गार्डन में नहीं गए, कभी घास पे नहीं चले, कभी नंगे पैर नहीं चले, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के मोजे ला रखे हैं, शानदार क्वालिटी के जूते ला रखे हैं, और लास्ट में कुत्ते की मौत मर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा, कुत्ते की मौत का मतलब समझते हैं आप, असामयिक मृत्यु होना। कुत्ते की मौत क्यों इतनी फेमस? कुत्ता जब रोड को क्रॉस कर रहा होता है ना, तो कुत्ता कंफ्यूज रहता है कि रोड में क्रॉस कर लूँ कि घूम के वापस आ जाऊँ, क्रॉस कर लूँ कि घूम के वापस आ जाऊँ, तो वो जाता है जाता है जाता है, उसको लगता है गाड़ी आ रही है, घूम के वापस आता है, और वहीं वो गाड़ी उसकी तरफ घूम के उसको निपटा देती है। डिसीजन नहीं ले पाता ना कुत्ता कि करना क्या है। हमारी जिंदगी गमले के पौधे से ज्यादा बड़ी नहीं है, हम भी तो गमले के पौधे हैं। पापा की कार में जाके बैठ गए, पापा ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कोचिंग छोड़ दिया, मेट्रो में जाके बैठ गए, ऑफिस चले गए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जहां काम करता हूं जिस ऑफिस में, वहां से कई बार घर तक पैदल जाता हूं, कई बार ऐसा होता है। मैं समझता हूं कि शरीर को जितना घिसोगे, जितना तपाओगे, उतना निखरेगा, उतनी क्षमता ज्यादा विकसित होगी। दिमाग के साथ भी इसी, नेचर में समय बिताना पड़ेगा। जिस दिन आप नेचर से कनेक्ट हो गए, खुद से कनेक्ट हो जाओगे। अब कई लोगों के हालात तो ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर ये नेचर लिखा हुआ है कि नटुरे लिखा हुआ है, अब नटुरे है कि नेचर है जो भी है, लेकिन आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा अगर आप खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप पाएंगे कि क्वालिटी आपकी लाइफ में आ नहीं रही है, आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं।
हमें ये समझ लेना है कि नेचर एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें, एक है मेमोराइजेशन जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और एक है हाई प्रोटीन फूड। हाई प्रोटीन फूड इसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा चर्चा करनी है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे। देखिए जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड जो है वो कैलोरी से भरा हुआ है। छोले हैं, भटूरे हैं, पूड़ी है, रोटी है, खीर है, हलवा है, और इसलिए भारत में डायबिटीज के पेशेंट भरे पड़े हैं। इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, हमारे देश के हालात बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि हमें तो बस वही हलवा पूरी चाहिए। और चलो ठीक है यार, तुम हलवा पूरी खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जो खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पचाओ तो सही। एक सिंपल सा सवाल अगर आपसे पूछूं कि एक बर्तन है उसमें रोज चाय बनती है और कभी धुलता नहीं है, दूसरा बर्तन है इसमें रोज चाय बनती है हाथों हाथ धुलता है, हाथों हाथ धुलता है, कौन सा बर्तन लंबा चलेगा जो हाथों हाथ धुल रहा है? धोगे कैसे खुद को? पानी से, पसीना बहा, कितना भी कचरा खा लो अगर पसीना बहा रहे हो सब काम हो जाए। हमारे देश के फौजियों को विशेष खाना नहीं मिलता है, फौजी बहुत सामान्य खाना खाते हैं लेकिन पसीना बहाते हैं, 10 किलोमीटर भागते हैं, कुछ भी खाओ। फिर प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में लाओ, ये आपकी मेमोरी को बहुत बेहतर करेगा। प्रोटीन और साथ में ओमेगा 3, इस चीज को तो मैं कैसे भूल सकता हूं, ओमेगा 3। ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट, बादाम, ये अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बीज ले सकते हैं, बीज नहीं है अलसी के बीज ले सकते हैं, ये भी नहीं है, दही छाछ में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि बटर तो होता ही है उसमें, क्रीम तो होती है उसमें, ओमेगा 3 दिमाग चलता है। लेकिन ये, और कैसे लें सर हाई प्रोटीन? मूंग से लो। कैलोरी रिच फूड से इंडिया बर्बाद हो रहा है, गेहूं, पास्ता, पिज्जा, मैगी, ब्रेड, मूंग खाओ। अभी इसमें मूंग है, मैं जितनी बातें हैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं वो सारी की सारी बातें मैं खुद की जिंदगी में इंप्लीमेंट करता हूं। जब मुझे खुद को उसका परिणाम बेहतर मिलता है तब मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं इसने कहा था उसका पढ़ा आपको बता दिया, उसने कहा था उसका पढ़ा आपको बता दिया, दो रील देखी इसका ज्ञान लिया उसका, मैं नहीं कर सकता ये सब। मेडिकल मेरा बैकग्राउंड रहा है, MBBS मैंने किया है और मैंने खुद के वजन के बराबर की किताबें पढ़ी है। मैं जब चीजों को साइंटिफिकली, मेडिकली, फिजियोलॉजिकली समझ लेता हूं, इंप्लीमेंट कर लेता हूं, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं तब आपको बताता हूं। मूंग को मैंने आपको बताया, लास्ट मेरा सेशन जो हुआ था पेट खराब होने का सेशन जो था वो आप सेशन देखें, आप ये पाएंगे कि उसमें मूंग की महिमा विशेष तौर से मैंने बताई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं, दुनिया में लगभग हर इंसान को बताना चाह रहा हूं, मेमोराइजेशन यानी कि मनन, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का एक और तरीका है मनन करना। मनन में क्या होता है कि जो कॉन्टेंट आपने सीखा होता है, समझा होता है, आप उसी कॉन्टेंट को बार बार सोचते हैं और इससे आपके दिमाग में फालतू के ख्यालात नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। ये आपके लिए नाम जप करने जैसा ही है। जब मनन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट हो रही है, आपका दिमाग नए नए विचारों को कंबाइन करके तीसरे विचार बना देता है। आपको शायद पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट होता है आइडिया सेक्स, आइडिया सेक्स। भारत में तो इस शब्द को लिखते ही आधे लोगों का तो दिमाग खराब हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, क्यों पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकताएं दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है उसके दिमाग में आइडियाज है और वो कई आइडियाज मिलके एक नया आइडिया बना देंगे। जब कोई समस्या आएगी तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स पहले से हैं तो वो सब मिलके नया थॉट बनाएंगे तो समस्या का समाधान निकाल सकता है। मेमोराइजेशन सबसे सुपर पावर है। देखो क्या होता है ना, हमारे शरीर में एक खासियत है, हमारा शरीर एक चलनी है, चलनी जो छानता है और छोड़ देता है, छानता है और छोड़ देता है, छानता है और छोड़ देता है। पानी पियो, टॉयलेट, खाना खाओ, टॉयलेट, श्वास लो, श्वास बाहर। दिमाग में कुछ भी विचार जाएंगे तो रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि रुकना शरीर का नेचर है ही नहीं, बहते रहना, बहती हवा सा था वो, कौन? हमारा शरीर। कहाँ गया उसे ढूंढो, जब हम कुछ कंटेंट पढ़ लेते तो ये तो बोलते हैं कहाँ गया उसे ढूंढो, रुकता नहीं, मेमोराइज करो। मेमोराइजेशन करने में दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर कॉन्सेंट्रेशन का तरीका नहीं। नहा रहे हो
कुछ फिक्स कर लो, मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मैथ्स के बारे में सोच रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सोच रहा हूँ, इंडिया इंडो चाइना रिलेशन कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। जब विचार जैसे होंगे वही आपकी वाणी होगी, वही आपका लेखन होगा। कुछ लोग बोलते हैं सेलेक्ट नहीं हो रहे, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि विचारों में 14 फरवरी चल रही है, विचारों में टेडी डे चल रहा है, चॉकलेट डे चल रहा है, विचारों में जीवटता नहीं है। जो विचारों में होगा वही वाणी में होता है, वही लेखन में आता है। अपने विचार वो बनाओ कि वाणी वही बन जाए और लेखन वही बन जाए, तब पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और विचार कैसे बनेंगे? वो मेमोराइजेशन से, मनन करना। देखिए जो मैंने अभी आपको सिखाए ना, ये आपका है खाना खाना, ये आपको समझ में आ गया, मतलब डाइजेशन हो गया। लेकिन जब आप इसको बार 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 सोचा तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, और वो चीज आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। मेमोराइजेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्दी आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। मूंग बीज फ्रूट ड्राई फ्रूट और प्रोटीन का कोई एक सोर्स तो मैं बता ही रहता हूँ पीसने के माध्यम। एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन पर ये आज का हमारा मुद्दा था।